जेल के बाहर बहुत आवाजें आ रही थी। कोई चिल्ला रहा था कि राई का तेल लगा डंडा मत डालो, माफ करो। कोई कह रहा था कि बर्फ की सिल्ली पे मत सुलाओ। किसी को मिर्ची कहीं तेज लग रही थी। भगवान। हाय दोस्तों, मैं हूँ एफाजुर रहमान और आप देख रहे हैं डीएन मीडिया। आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही अहम और इंटरेस्टिंग खबर शेयर करने वाला हूँ। जी हाँ, ये खबर जुड़ी हुई है हैदराबाद से। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि पिछले चंद दिनों में हैदराबाद के अंदर क्या कुछ हुआ। एक काला सिंह लंडू के नाम से एक बीजेपी एमएलए था, जिसे फिलहाल निलंबित कर दिया गया है, उसके पद से हटा दिया गया है। उसने प्यारे आका की शान में कुछ गुस्ताखाना अल्फाज इस्तेमाल किया था, जिसके बिना पर वहाँ के मुसलमानों ने ज़बरदस्त एहतजाज किया, उसको गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन 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 उसी शाम उसे छोड़ भी दिया गया, लेकिन वहाँ के मुसलमान हार मानने वाले थे नहीं। फिर दोबारा ज़बरदस्त तरीके से एहतजाज किया, जिसे आप लोग सभी जानते हैं, फिर उसे गिरफ़्तार कर लिया गया और फिलहाल वो अभी पुलिस के हवाले में है और पुलिस अच्छे तरीके से छानबीन कर रही है। लेकिन कल शाम से कुछ फ़ोटोज़ और वीडियो शेयर किए जा रहे हैं, व्हाट्सएप पर शेयर किए जा रहे हैं, और बताया ये जा रहा है कि राजा सिंह नहीं, काला सिंह लंडू की जेल के अंदर ज़बरदस्त ठुकाई हो रही है। जी हाँ, ये खबर आ रही है। तो इसी खबर के सिलसिले में मैं आपके साथ एक वीडियो शेयर करने वाला हूँ। किसका? विनय दुबे का, जो कि मुंबई से हैं। उनके बारे में बस इतना बता दूं कि वो एक सोशल वर्कर हैं, मजलूमों की आवाज़ को उठाते हैं, गरीबों की मदद करते हैं, हमेशा हक के साथ खड़े रहते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म से ताल्लुक़ रखता हो। उन्होंने एक वीडियो इसी काला सिंह लंडू के लिए बनाया है और इसको कुछ चैलेंजेस भी किए हैं और उस काला सिंह लंडू की ज़बरदस्त तरीके से बजाई है। बजाई समझ रहे हो ना? जी हाँ, बजाई है, और उसकी असली औकात भी बताई है कि तुम्हारी हकीकत, तुम्हारी औकात क्या है। चलिए विनय दुबे का वीडियो स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं विनय दुबे मुंबई से। सुनने में आ रहा था कि कल रात को बहुत सिकाई हुई है, जेल के बाहर बहुत आवाजें आ रही थी। कोई चिल्ला रहा था कि राई का तेल लगा डंडा मत डालो, माफ करो। कोई कह रहा था कि बर्फ की सिल्ली पे मत सुलाओ। किसी को मिर्ची कहीं तेज लग रही थी। भगवान। सूत्रों के हवाले से उड़ती उड़ती खबर हैदराबाद से विनय दुबे के कान तक आई कि विनय भाई जिस जेल में उस कागजी थेल को रखा है, उसके बाहर बहुत आवाज़ें आ रही है भाई। कोई तो अंदर बब्बर फाड़ कर चिल्ला रहे है। मैं सोचा नहीं यार, पुलिस इतना कभी नहीं करती है। तो भाई ने कुछ फ़ोटोज़ भेजे मेरे को। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये फ़ोटो देखने के बाद मैं तकलीफ़ में जाऊं या मैं खुश हो जाऊं। मैं दिखाता हूँ फ़ोटो आपको कि कैसे हैदराबाद के उस कागजी बब्बल तेल को ना वहाँ की पुलिस ने पेल दिया और भोगदा बना डाला भाई इस बब्बल तेल के पीछे। भोगदा समझते हैं आप? भोगदा मराठी वर्ड है। भोगदा का मतलब होता है टनल, गुफा बना डाला शेर के पीछे। इतना बड़ा नहीं, इतना, हाँ ये उस बब्बल शेल का क्या हालत है जरा देखिए। बहुत पेला रे बाबा, बहुत पेला। फोटो देखने के बाद मैं भी थोड़ा शॉक में था कि ऐसा कैसे कर सकती है वहां की पुलिस। एक आरोपी को इस तरह से पीटना,
देखा ना उसको पूरा फुगा डाला वो लोगों ने, गुम्बाड़ा बना दिया उसको पूरा। गुम्बाड़ा मतलब फुगा, बड़ा फुगा बना दिया फुला फुला के। अब हवा किधर से डाला क्या जाने, लेकिन फूल तो गया है भाई। प्रश्न ये है कि ये जो फोटोज आए वो क्या थे? मैंने भी गूगल किया, मैं बोला यार ये किधर खबर दिख नहीं रही है कि राजा भाई की पहलाई हुई जेल के अंदर और अपने को पता ना चले। भाई ऐसा कैसा चलेगा? अपन भी गूगल किया, गूगल करने के बाद देखा तो ये जो बब्बल तेल था ना, ये साला एकदम नल्ला तेल निकला, कागजी। कैसे मालूम है? 2019 में यही इनका अंडभक्तों का जो जीजा है बब्बल तेल, ये ना कहीं पे आंदोलन कर रहा था और इसको पता चल गया कि पुलिस थोड़ी देर में आने वाली और मजबूत इसको तो उससे बचने के लिए ये बब्बल छेल ने एक पत्थर उठा के अपने ही सर पे मार लिया। सोचा कि सर पे थोड़ा चोट हो जाएगा, अपन अस्पताल चले जाएंगे, गिरफ्तारी से बच जाएगी, पुलिस अपने को ठोकेगी नहीं पुलिस स्टेशन में। बाद में एक ट्वीट करके आरोप कर दिया कि देखो मुँह हैदराबाद की पुलिस मेरा सर तोड़ दिया, मुझ पे बार बार अत्याचार कर रही है, मुझे बार बार प्रताड़ित कर रही है। इसके जो चेले चपाटे थे वो लोग भी हाँ 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 करने लग गए। थोड़ी देर में हैदराबाद पुलिस ने एक ट्वीट किया, एक वीडियो डाला कि देखो कैसे पुलिस के डंडे से बचने के लिए, गिरफ्तारी से बचने के लिए इस इंसान ने, जाहिल ने, अपनी ही राज्य की पुलिस को बदनाम करने के लिए अपनी सुरक्षा के, जो पुलिस इसको सुरक्षा देती है ना उसका ही बदनामी करने के लिए खुद का सर फोड़ के पुलिस पे आरोप लगा दिया। इतना तो नीच इंसान है। जो इंसान इसकी जान बचाती है उसका सगा नहीं है, उसको भी इन्होंने कटघरे में खड़ा कर दिया। तो ये फोटो जो है ना, ये जो सोशल मीडिया पे लोग एक दूसरे को व्हाट्सअप कर रहे हैं, मेरे भाई पुराना है, 2019 की घटना है। इतना बड़ा नल्ला आदमी है ना कि इसका क्या बोलने का। और ये चला है इस्लाम ख़त्म करने, ये चला है मुसलमानों को काटने, ये चला है मुनव्वर का शो रखने। एक 25-30 साल का लड़का, उसका शो का तो तू कुछ करा नहीं पाया रे, तू क्या इस्लाम करेगा ख़त्म रे, क्या नेता बनेगा तू? तू सिर्फ ना देश में जो थोड़े से भावुक चूतिए हैं ना उनको तू चूतिया बना, तेरा उतना ही औकात है। और जब भी तू जेल से बाहर आएगा ना भाई, विनय दुबे हैदराबाद आएगा तेरे को नहारी लेके और दिखाएंगा क्या होता है असली मर्द। ऐसे 10-50 लोगों का कुत्तों का झुंड लेके किधर भी एक बेचारे को पकड़ के मारो, ये मर्दानगी नहीं होती रे। तेरे कार्यालय में विनय दुबे आएगा अकेला, फिर देखता हो तू कितना बड़ा बब्बल शेर है, छाट के बाल ये करेगा खत्म। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।